चली गई। सेलिन कहाँ हो तुम? बुराक तुम्हारा पूछ रहा है, वो तुम्हारे घर तुम्हें लेने के लिए आ रहा है। हद है। हेलो बुराक, वो घर पे नहीं हूं मैं। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है तुम्हें, दरअसल टैक्सी में ही हूँ, ऑफिस ही आ रही हूँ। ओह सॉरी, परेशानी हुई ना मेरी वजह से। ठीक है मिलते हैं। क्या ये बुराक तुम लोगों को बहुत पसंद करता है? तुम्हें इससे क्या? तुम कल रात देर से घर आई, वो तुम्हारे बारे में इसीलिए परेशान है। क्या तुम उसके साथ थी कल रात? बताओ मुझे। मर्फ और उसका दोस्त काफी नहीं था क्या? और प्यार करने वाले लोग ढूंढ रहे हो ताकि उन्हें बैन कर। अगर हैं भी तो उसूल वही रहेंगे, तुम हो या वो। इस मामले में मैं चाहता हूँ कि बुराक ही आगे रहे। समझ गई, तुम्हें लड़कियों से इश्यूज हैं। चलो बाहर निकलो। क्या? मैंने कहा तुम चली जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। किसी लड़की को यूं बीच रास्ते में छोड़ना बदतमीजी होती है। शराफत नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हें। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? बस बहुत हो गया, उतर रही हूँ मैं। सेलिन, खुश आमदीद, आ जाइए। आप लोग आर्ट मैम को रिप्रेजेंट करते हैं ना, और रोज आना इसी तरह के एक जैसे कपड़े पहनकर आते हो, ठीक कहा ना मैंने? एक मिनट रुक जाए, हो सकता है ये रात भर काम कर रही हूँ, शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। इतनी अहम कौन सी बात थी कि मुझे बताना ही जरूरी नहीं समझा तुम लोगों ने? कौन सा काम कहूँ, मुझे क्या पता कौन सा काम। अच्छा ठीक है, कल रात कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे, क्या इसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर आप लोग ऑफिस में ठीक से वक्त पर नहीं आ सकते हैं तो फिर वीकेंड्स पे बाहर जाना बंद। सही कह रहे हैं, माफी चाहते हैं, आइंदा इस तरह कुछ नहीं होगा। बोरो से अलग होने का जश्न मना रहे थे, पता नहीं और कितने जश्न मनाने पड़ेंगे अभी। हमें लगा आप थक गए होंगे, वरना आपको तो जरूर बुलाते हम। मैंने आपको किसी को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, मैं ऑफिस में किसी भी किस्म की गैर जरूरी बात नहीं चाहता, तो उसे छोड़ना सिर्फ आपका फैसला है। इस फैसले पे मजबूर आपने किया है। खैर जो भी हुआ ठीक ही हुआ, वैसे भी तुम्हारा जहन काम पर नहीं था। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग काम पर ध्यान दें, उम्मीद है समझ गई होगी। अरे तुम, क्या हुआ? माफी चाहता हूँ दमीर साहब, वो दरअसल मुझे सेलिन के साथ यिल्दिरम साहब के होटल जाना है प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वो जो नया प्रोजेक्ट है ना वो। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो जा सकती हूँ मैं दमीर साहब? हाँ ठीक है, क्यों नहीं। वॉलपेपर कैंसिल कर रही हूँ और उसकी जगह एक सरफेस बना रही हूँ जिस पर कुछ फ्लावर्स और लैम्प डिजाइन होने चाहिए, यही अच्छा होगा। सीलिंग के लिए भी स्पेशल ड्राइंग्स बनाते हैं, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट, सी, स्काई। पीटर पैन, क्या ये तुम हो? ऐसा लग रहा है कि मैं पीटर पैन के साथ किसी नए एडवेंचर पे जा रही हूँ। ये सब मैं क्या सोच रही हूँ? पीटर पैन आखिर है कौन? क्या सोचने लगी हो तुम भी? काम पर फोकस, सोफिस्टिकेटेड एटमॉस्फेयर के बारे में सोचना है तुम्हें। वो तो मेरा भी दिमाग खराब करने लगा है। कम से कम मेरे ख्वाबों का दुश्मन तो ना बनता।